Member of Team Film Fest. Welcome to Team Film Fest. One of my first live sessions of Film Fest 1.0. We have Mr. Usman, who has been a great inspiration in my university for the students and the students around, since he has been supporting so many students with their linkages in the industries, for finding internships, for educational purposes, for different experiences that they needed to have before they get into the work field. He has been serving in the educational sector for the past 11 years and has worked on about 25 courses development, and he has served in NUML, Zavist, has done a lot of trainings of a lot of educationists and other skill sectors, including entrepreneurship, and has judged a few contests related to startups. He is also a social worker, has done activities regarding plantation, blood donations, and he's an all-rounder here, so I'd like him to introduce himself. Sir, would you like to introduce yourself to the audience? Thank you very much. Acha ji, bismillahir rahmanir rahim. First of all, I'd like to thank FailFest for giving me an opportunity to share my failures with you guys. Mera khayal hai ki jitna banda haar ke seekhta hai, wo kabhi success se nahi seekh sakta. I'll be bilingual. I hope my voice is audible to everyone. So I guess I should start with, of course, thanks to pehle to thanks jo banta hai, that is to Sheikh Muhammad Ali sahab and Faika, thanks for inviting me. Aur mujhe is qabil samjha ke main is platform pe aake apna experience, jo ke aamtaur pe log apna healthy experience share karte hain, apne success wala experience share karte hain, but I'll be sharing with you ke mere sath kya kya maine kya kya failures ko face kiya, कहाँ कहाँ लॉसेस आए और उनको फेस करना, और उसके बाद आप अगर नेक्स्ट स्टेप तक मूव करते हैं, तो वो पूरा स्टेप बाय स्टेप कोशिश करूंगा अपने लाइफ हिस्ट्री का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं. सो अगर मेरी कोई बात सिमिलर हो तो के जॉर्ज बर्नशॉ के साथ मिल रही हो, शेक्सपियर के साथ, अपोलो कोएलो के साथ, या प्रोफेसर एमर रफीक साहब, वासिफ अली वासिफ, अशफाक अहमद, बहुत से डिफरेंट ऑथर्स हैं, बहुत सी चीजें मैं पढ़ भी रहा होता हूँ. आप लोगों ने भी डेफिनेटली इनके कोर्स पढ़े होंगे, इनकी स्टोरीज पढ़ी होंगी. उन लोगों ने सबने अपने बारे में बात की है, तो आज मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं अपना एक्सपीरियंस अपने बारे में बात करूँ, ताकि आप लोगों को, स्पेशली जो ऑडियंस है मेरे, जो लिसनर्स हैं, उनको आइडिया हो कि किस तरीके से मैं जगह जहाँ मैं हूँ, जो कि इतना सक्सेसफुल तो नहीं मैं अपने आप को समझूंगा, क्योंकि अभी शायद मैंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, बट स्टिल से दैट के जितना मेरा एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करूँ, और शायद किसी की कोई लाइफ बन सकती है, क्योंकि शायद मैं अदना सा कुछ नाचीज हूँ, मैं कहूँगा अभी मैं उस लेवल पे नहीं हूँ, बट स्टिल अगर किसी की लाइफ में अगर मैं कुछ वैल्यू एडिड, कोई मशवरा ऐड कर दूं, तो आई बी हैप्पी विद दैट. स्टार्टिंग विद माय फैमिली बैकग्राउंड, या फैमिली की अगर बात करें, आई एम 38 इयर्स ऑफ एज. सो अभी कुछ शायद लाइफ पड़ी हुई है, तो अल्लाह को पता है कि कितनी लाइफ है, शायद नेक्स्ट मिनट में लाइफ ना हो. सो अभी जैसे कोरोना से सर्वाइव करके अभी तक पहुंचा हूँ, सो कोरोना 2 वीक्स का लॉकडाउन भी नहीं कहेंगे तो, बट स्टिल उस बीमार होने के बाद दोबारा रिकवर करना, तो इट इज अ टफ जॉब. सो माय फैमिली, आई हैव टू किड्स एंड अ ब्यूटीफुल वाइफ, सो दिस इज माय फैमिली. एंड अगर मैं चाइल्डहुड से थोड़ा सा स्टार्ट करने की कोशिश करूं, तो माय चाइल्डहुड वाज जस्ट लाइक ब्यूटीफुल एज एनी अदर पर्सन इज हैविंग. तो आप लोगों ने भी डेफिनेटली बहुत सारा चाइल्डहुड में एंजॉयमेंट की होगी, आप लोगों की भी एम्स होंगी, तो मेरी भी इसी तरीके से एम्स थी. सो व्हेन आई स्टार्टेड, तो अनफॉर्चुनेटली आई स्टार्टेड फ्रॉम चिल्ड्रंस एकेडमी, एक स्कूल था. उसके बाद आई मूव टू फ्रॉबेल्स. फ्रॉबेल्स जब मैं गया तो तकरीबन 2 साल मैंने वहां पढ़ा. फ्रॉबेल्स से व्हाई आई लेफ्ट फ्रॉबेल्स, रीजन वाज
टीचर्स यूज टू से दैट कि जी आप अपने बच्चे को घर में, बल्कि अपने बच्चे के साथ घर में इंग्लिश में बात किया करें. माय फादर सेड कि भाई अगर मैंने अपने बच्चे के साथ घर में इंग्लिश में ही बात कर दी है तो व्हाई आई एम पेइंग सच अ हाई प्राइस टू यू गाइस. तो दैट टाइम आई लेफ्ट फ्रेबल्स एंड वेंट टू अ गवर्नमेंट स्कूल जहां से मैंने अपना मैट्रिक भी कंप्लीट किया. तो लाइक मैट्रिक में आप बहुत से शायद मेरे एज फेलो एग्री करें कि हमारे पास सिर्फ दो ही चॉइसेस थे, एक जनरल साइंस ग्रुप था और एक आर्ट्स ग्रुप था. तो जब मैं फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट, मेरा जो स्कूल था वो सिर्फ जनरल साइंस ही करवाता था. तो मैट्रिक के लेवल पे आई वॉज वेरी गुड इन मैथ्स, लेकिन जब मुझे बायो और केमिस्ट्री पढ़ना पड़ी तो आई नेवर न्यू कि व्हाई आई एम स्टडिंग. तो आज भी अगर मुझे कोई कहे ना कि अगर आप पास में जाओ तो क्या चीज चेंज करना चाहोगे, तो मेरा सबसे पहला यही थॉट होती है कि भाई मैंने अपना मैट्रिक दोबारा करना. आई डोंट वांट टू स्टडी बायो और केमिस्ट्री और फिजिक्स, दिस टाइप ऑफ स्टडीज. फिजिक्स थोड़ा सा बेहतर था, थोड़ा सा मैथमेटिक्स आ जाता है, कैलकुलेशंस आ जाती है, तो आई वाज गुड इन दैट. बट केमिस्ट्री एंड बायो, सॉरी, आई वाज वेरी बैड इन दैट. करते करते मरते मरते बायो पास हो गई, केमिस्ट्री पास हो गई, फिजिक्स पास हो गई. अब नया इम्तिहान सामने आ गया. अब जी क्या करें, अब जब आपने एफए करना होता है या एफएससी में आना होता है तो उसमें प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, मेडिकल से पहली बार इंजीनियरिंग पता नहीं क्या होती है. तो घर में मेरे वाले साहब इकोनॉमिस्ट है, मेरे भाई ने भी इकोनॉमिक्स ही पढ़ी. तो एट दैट टाइम मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी एक्सेप्ट मैथ, स्टैट, इकोनॉमिक्स. तो इकोनॉमिक्स का वर्ड था, काफी कॉमन था मेरे घर में. तो आई वॉज लाइक यार ये इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी. ऑलरेडी मेरे वाले साहब को मैंने काम करते हुए देखा, दिन रात काम करते थे, कई दफा फजर के टाइम उठते थे तो पता चलता था वो उस टाइम भी काम कर रहे होते थे. मैंने कहा सॉरी यार मैं इतना मेहनती नहीं, आई शुड अवॉइड दिस थिंग. सो आई ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम इकोनॉमिक्स. तो मेरे वाले साहब ने कहा ओके अगर इकोनॉमिक्स से भागना है तो फिर तुम इतना दूर चले जाओ कि मैं तुम्हें वापस खींच के ना ला सकूं. तो उन्होंने मुझे ICS का सजेस्ट किया. ICS वाज इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस और आई कंप्लीटेड ICS. उसमें बेस बन गई थोड़ी सी IT से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड. देन आई स्टार्टेड आफ्टर कंप्लीटिंग माय ICS, आई डिड माय BBIT फ्रॉम वन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस इन इस्लामाबाद. तो जब मैंने BBIT कर रहा था तो आई थॉट कि BBIT बड़ा IT रिलेटेड होगा, मैं नेटवर्किंग में काम करूंगा. अनदर फेलियर, क्योंकि वो अनफॉर्चुनेटली इट वाजंट रिलेटेड टू नेटवर्किंग. जितना कुछ मैंने पढ़ा वो कंप्यूटर साइंस, जिसको हम कहते हैं, जिसमें प्रोग्रामिंग कहते हैं, C++, इस तरह की चीज़ें मैंने लैंग्वेजेस पढ़ना शुरू कर दी. आई वाजंट वेरी गुड इन प्रोग्रामिंग दो. तो मैंने फिर तकरीबन 15 के करीब लैंग्वेजेस सीखी उसमें. लेकिन आफ्टर लाइक थ्री गुड ईयर्स इन प्रोग्रामिंग और IT, आई थॉट के अब कुछ और कर लिया जाए. जब कुछ और करने की तरफ गए तो व्हाट वाज द अदर ऑप्शन, कोई मेरे पास खास ऑप्शन नहीं रही. तो मैं एक मेंटोर, मैं उनको कहूँगा, क्योंकि आई वाज वेरी डिप्रेस. मुझे कोई बात समझ नहीं आ रही थी कि IT में भी अच्छा नहीं, इकोनॉमिक्स मैंने वापस जाना नहीं, तो मेरे पास क्या ऑप्शन पीछे रह जाती है. तो मेरे पास जो ऑप्शन पीछे रह गई थी दैट वॉज एक्चुअली नथिंग बट except one guy. He is right now, currently he is a vice chancellor of my university, Muslim Youth University. Unhone mujhe Dr. Tahir Hijazi tha, main mentor kahunga unko, kyunki he brought me to life. Unhone mujhe kaha ki okay beta tum is cheez mein agar nahi chal rahe IT and related subjects mein to tum BBA mein aa jao. I was like main already ek BBIT kar chuka hu, why to spend another 3 years in bachelor's. क्योंकि उसमें एक और डिप्रेशन के फेस में मैं चला गया, बिकॉज ऑलरेडी 3 years मैं कर चुका हूँ और अनदर 3 years मेरे पास क्या है. मेरे पास कोई दोस्त नहीं होगा मेरा. मेरी पीयर प्रेशर था, सोसाइटी प्रेशर था, कि हर जगह कोई ये नहीं समझता कि कोई दोबारा से डिग्री कर रहा है, सब यही समझते हैं कि इट्स अ फेलियर. तो मैं उस टाइम फेलियर से काफी घबराता था. वैसे तो हमारे PM कहते हैं घबराना नहीं, बट मैं उस टाइम, वो उस वक्त शायद इमरान खान साहब नहीं थे तो मैं घबरा जाता था. तो एट दैट टाइम आई वाज लाइक अनदर 3 years और सोने पे सुहागा. जब मैंने दोबारा से बैचलर स्टार्ट कर लिया, BBA स्टार्ट किया, तो
एचईसी की भी पॉलिसी चेंज होगी, तो उन्होंने कहा बैचलर्स अब 3 साल का नहीं होगा, अब 4 साल का होगा. तो अनदर 4 years. So 2003 I did BBIT, and from 2003 to 2007 I did BBA. तो काफी टफ टाइम जिसमें मेरा कोई दोस्त नहीं रहा, सब अलग अलग, सब काम करने शुरू हो चुके थे. तो आप जिससे भी बात करते थे वो कहता था मैं इस पोजीशन पे हूँ. एंड व्हेन इट वाज क्वाइट डिप्रेसिंग फॉर मी कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ और मेरे जितने भी जानने वाले हैं वो एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच चुके हैं कि जो बहुत हाई प्रोफाइल जगह पे हैं. एनी हाउ एट दैट टाइम वन ऑफ माई टीचर्स, आई ऑलवेज गिव क्रेडिट टू हर, शी इज मिसेस रुखसाना नज़ीर, इंग्लिश की मेरी टीचर थी. उन्होंने मुझे गाइड किया कि देयर इज नो सच टाइम कि जब आप अपना कैरियर चेंज करें, लाइफ में कभी भी अपना कैरियर चेंज कर सकते हैं. एंड मैंने तो अपने एजुकेशन में अपना कैरियर चेंज कर लिया, कुछ लोग तो 10 साल के बाद अपना कैरियर चेंज करते हैं. और अगर मैंने बीबी बैचलर्स के दरमियान ही अगर मैंने अपना कैरियर चेंज कर लिया तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं. एंड सबसे बड़ी जो चीज है वो ये थी जो उस टीचर से मैंने लर्न की, दैट वाज मोटिवेशन. जो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया दैट वाज टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस. अब माशाल्लाह मैं टीचर हूँ, डेली बहुत ज्यादा लेक्चर्स दे रहा होता हूँ, कई दफा 6-6, 8-8 घंटे के लेक्चर्स होते हैं, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल. बट एट दैट पर्टिकुलर टाइम जब मैंने बीबीए स्टार्ट किया तो मैं डाइस के पीछे छुपता था. दैट लेडी टॉट मी के हाउ टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस. तो उस लेडी ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया कि बाद में मैं उनका डीए भी बना. लेकिन उस मैं कहूँगा कि क्रेडिट गोज टू हर कि उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया, इतना मुझसे मुझ पे ट्रस्ट था उनको कि मैं आगे एक्सेल कर सकता हूँ, एंड विच आई डिड लेटर ऑन इन माय कैरियर. मैंने अपना उसी कॉन्फिडेंस की अगर मैं आगे लेके चलूँ तो आई स्टार्टेड वर्किंग इन एचपीएल, फिर एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन थी बिफोर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया. तो वहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा था, लेकिन बैंक की जॉब मुझे पसंद नहीं आई थी. आई लेफ्ट आफ्टर आई ये. तो आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया फॉर माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन 2008. देयर जहां लॉस की बात करते हैं, फेलियर नहीं मैं कहूंगा, इट वाज अ लॉस. जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो आफ्टर 2 months आई लॉस्ट माय मोटिवेशन. आई लॉस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ माय लाइफ, दैट वाज माय फादर. इट वाज अ रियल मोटिवेशन, ही वाज अ रियल मोटिवेशन फॉर मी, एंड आई लॉस्ट हिम. उसके बाद मैंने दुनिया का रियल फेस भी देखा. फिर आई वेंट बैक टू ऑस्ट्रेलिया, मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की. जब मैं पाकिस्तान वापस आया तो वो जितने फेसेस जो मेरे वाले साहब के दोस्त, सो कॉल्ड दोस्त थे, मैं उनको कहूंगा प्रोफेशनल थे, उनके कोई गिला नहीं उनसे, बट दे वर प्रोफेशनल एट दैट टाइम. उन्होंने जैसे कहते हैं ना मुंह फेर लेना, तो दैट वॉज वेरी हर्टिंग फॉर मी. कि जब मैं उनके पास पहुंचा, आई वॉज हैविंग इंटरनेशनल डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, मैं जॉब के लिए जा रहा था, तो मुंह फेर लेना. फिर वन ऑफ द लेडी, उन्होंने मुझे बुलाया फातिमा जना, मैंने वुमेन यूनिवर्सिटी ज्वाइन की. देन आई मूव टू ज़ैबिस. बट जब ज़ैबिस गया तो वहाँ उस टाइम तक आई वॉज एन ऑर्डिनरी पर्सन, एक आम सर टीचर, कोई खास चीज नहीं. और मैं हमेशा आई एम स्टिल वेरी इमोशनल, बट उस टाइम मैं बहुत ज्यादा इमोशनल था. मैं अपने जो ईमेल का सिग्नेचर है उसमें मैं अपने नाम के साथ अपने वालिद साहब का नाम जरूर लिखता, सन ऑफ डॉक्टर आर कमाल लिख देता होता था, विच वॉज लेटर ऑन आई गॉट टू नो कि इतनी कोई अच्छी चीज नहीं थी. देन व्हाट आई डिड, वन ऑफ माय स्टूडेंट जो कि समवेयर बैक 20 इयर्स बैक और 25 इयर्स बैक, वो साहब मेरे वालिद साहब के भी स्टूडेंट रहे, तो उन्होंने मुझे एक दफा बताया, कहते सर काइंडली रिमूव दिस नेम, योर फादर्स नेम फ्रॉम योर सिग्नेचर, आप अपनी पहचान बनाए. एंड दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी. उस टाइम मैंने रियलाइज किया कि आई थॉट कि मेरे फादर की वजह से मेरी रिस्पेक्ट हो रही है, लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज भी किया उस टाइम. दैट वाज अ सॉर्ट ऑफ फेलियर यू कैन से फॉर मी, कि मैं एक ही नाम कैरी कर रहा हूँ, मैं अपना नाम कुछ नहीं बनाने की कोशिश कर रहा. तो एट दैट टाइम मैंने थोड़ा सा अपना नाम बनाने की कुछ एफर्ट करने की कोशिश की, मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करने की कोशिश की. एंड आफ्टर आई बिलीव 2.5 years और 3 years आई बिकम अ सेकंड हेड ऑफ ज़ैबिस. मैं स्टूडेंट एडवाइजर बन गया, सारे स्टूडेंट्स में उठना बैठना, और आई वाज वेरी इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ अ पर्सन, तो मुझे एक्स्ट्रावर्ट होना पड़ा. एट दैट टाइम जो अब मैं किसी को बताऊं कि मैं आई एम वेरी मच इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सन, लोग मुझ पर यकीन नहीं करेंगे. बट एट दैट टाइम आई वॉज अ वेरी introvert, and still I believe I have some followers. Aapke youngsters aur aap bol rahe introvert.
बट इट्स अ रियलिटी कि मैं किसी से मिलता नहीं था, एंड एक टाइम आया कि 1800 स्टूडेंट उस यूनिवर्सिटी में थे, 1800 के 1800 मुझे जानते थे, मेरे साथ ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे बात भी कर रहे होते थे। और उसके बाद हाँ, एक चीज मैं इधर ऐड करूं जो कि बिकॉज इट्स अ मोटिवेशनल फॉरम एज वेल, कि गुरूर से बचें। मुझ में थोड़ा सा उस टाइम पे गुरूर आ गया था और आई हैड रियलाइज्ड दैट टाइम कि नहीं यार कुछ गड़बड़ है। एंड देन आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम इकरा यूनिवर्सिटी और मैंने एक ऐसा डिसीजन लिया, आई डिड इस्तखारा, मैं कुछ भी ऐसी चीज हो तो मैं अल्लाह से मशवरा जरूर लेता हूँ। तो व्हाट आई डिड, आई टुक आई डिड इस्तखारा एंड वो जो इतनी अच्छी जॉब थी, आई लेफ्ट दैट वन, आई केम टू इकरा यूनिवर्सिटी। और जब मैं इकरा यूनिवर्सिटी आया तो आई वाज सिटिंग इन दैट रूम जिसमें 8-10 और भी लोग बैठे हुए थे, आई लेफ्ट और सारा कुछ सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं इधर आ गया। एंड अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि आफ्टर 1.5 ईयर ऑलमोस्ट आई बिकम अ डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल लिंकेजेस, जिसको बोथ यूनिवर्सिटीज में कॉर्पोरेट लिंकेजेस भी कहा जाता है। और कैन यू बिलीव दिस इज अ बेटर प्लेस, बेटर जॉब देन वेयर आई वॉज इन माई प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन। I must thank to my Allah. Of course, parents की दुआएं होती हैं, सबकी दुआएं होती हैं, but Allah का डिसीजन था वो मेरे लिए। मैं एक ऐसी जॉब छोड़ के आया था जो एक टॉप पोजीशन पे था, but when I left, I thought के मैं पता नहीं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहा था। And can you believe since I am here, I've started my own business. I'm working for my students. शायद उनकी भी दुआएं मुझे लगती हैं। और उसके अलावा I'm not only a teacher, I'm a consultant, I'm a researcher, social worker as well. तो मेरे साथ एक टीम अटैच हो गई, तो वो जो टीम है वो मेरे लिए अब काम करती है, मैं उनके लिए काम करता हूँ। तो मेरे लिए ये बहुत ज्यादा मोटिवेशन है कि आई एम नॉट अलोन, देयर आर पीपल बिहाइंड मी हु आर प्रेइंग फॉर मी, हु आर वर्किंग और हु आर एक्चुअली प्रेइंग फॉर माय सक्सेस, मैं अकेला नहीं हूँ। तो मैं अगर इस सारी डिस्कशन को अगर इसको मैं कंक्लूड करूँ तो इट इज कि लोग फेलियर से घबराते हैं। डोंट think that failure will lead you to another failure. अगर failure के बाद आप another failure की तरफ अगर जा रहे हैं तो ये आपकी mistake भी हो सकती है, but एक failure से आपको सीखना चाहिए। उस failure को सामने रख के, like I'm a sportsman as well, तो मैं अगर एक मैच हारता था क्रिकेट में, या मैं, शायद ही मैंने कोई स्पोर्ट्स छोड़ी हो, तो I played almost every type of game, तो मैं अगर हारता था तो उसके बाद मैं उससे ऊपर जाने की कोशिश करता था, मैं उससे कोई लेसन सीखता था। ये नहीं था कि उसके बाद मैं उसके पीछे की तरफ आऊँ, मैं उसके बाद एक लेसन सीखा, उसके बाद एक नई लैडर को या लैडर पे चढ़ना शुरू कर दिया और पीक पे जाने की कोशिश करता था, विच वॉज अ वेरी हेल्दी फॉर मी एंड फॉर माई टीम और माई फेलो फॉलोअर्स और फेलोज एज वेल। तो मैं यही कहूंगा कि फेलियर से आप ग्रो करते हैं। आप कभी ये ना समझें कि फेल हो जाएंगे तो आप नीचे की तरफ आ जाएंगे, फेल होंगे तो आप ऊपर की तरफ जाएंगे। आप कुछ लूज करेंगे तो उस जस्ट लाइक मैचेस की बात करते हैं, एक लॉस के बाद अगर आप उससे कुछ सीखते नहीं है तो दैट इज अ प्रॉब्लम। आप लूज करेंगे डेफिनेटली देयर इज अ चांस कि आप इसके बाद इंप्रूव करेंगे, अपनी मिस्टेक्स को ठीक करेंगे एंड यू कैन गो अपवर्ड्स। इफ यू आर सक्सेसफुल इन एवरी फील्ड दैट विल लीड यू एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड। तो आप अपने आप को ऊपर की तरफ लेके जाएं और एनीवेयर मींस के सिर्फ ये ना सोचें कि स्काई इज अ लिमिट, तो स्काई से ऊपर भी और भी बहुत सी चीजें आ जाती हैं। ये कोट मैंने भी सुनी है कि काफी शेयर भी होती है कि स्काई इज अ लिमिट, मैं कहता हूँ स्काई से ऊपर भी बहुत सी चीजें हैं, आप एक्सप्लोर करेंगे आप बहुत सी चीजें पाने की कोशिश करेंगे। Considering के आपको जब students वैसे देखते हैं तो we think of you as a very extrovert person, somebody who's always like happy to see people, want to hang out, क्योंकि आप सबके साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाते हैं। And but getting to know your story gives me hope that there are people like us जो शायद वाकई भी डरते हैं और ये समझते हैं कि शायद उनका life में कुछ नहीं हो सकता, शायद वो किसी चीज़ में अच्छे नहीं हैं। At times, I doubted myself in different fields, and it's really hard कि आप अपनी field के अंदर होते हुए दरमियान में decide कर लेते हो, and you already had cleared those courses, and you shifted. So I guess it's never too late to change. If you think you can do something else, then it's never too late to make that decision. And
I guess the whole key would be to stay consistent with it. And I think there was, yes, sir. हाँ, जो मैं बात करना चाह रहा था कि कैरियर की जो बात कर रहे थे ना, तो यू कैन चेंज योर कैरियर एट एनी टाइम. मैंने बड़ी अर्ली टाइम पे रियलाइज कर लिया कि दिस इज नॉट कप ऑफ टी फॉर मी. मैंने देखा मेडिकल इज नॉट माय कप ऑफ टी, ओके इकोनॉमिक्स इज नॉट माय कप ऑफ टी, ओके आईटी इज नॉट माय कप ऑफ टी. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई योर स्किल्स. अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ काउंसलिंग नहीं होती, कैरियर काउंसलिंग का बहुत बड़ा फुकदान है. सो आई हैव स्टार्टेड कैरियर काउंसलिंग एज वेल, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मेरा स्टूडेंट है वो वही चीज फेस करे जो मैंने फेस की. मेरे बच्चे आई होप के वो भी इसी तरह जब आगे आएंगे तो आई विल ट्राई टू काउंसल देम के भाई दीज आर दी ऑप्शंस. आपके पास सिर्फ दो ऑप्शंस नहीं है. अनफॉर्चुनेटली हमारे टाइम पे दो या चार ऑप्शंस होती थी, मेडिकल होता था, इंजीनियरिंग होती थी, आर्ट्स होता था और जनरल साइंस ग्रुप होता था. बट आई बिलीव अब ऑप्शंस हमारे पास इतनी वाइड हो चुकी है, वी हैव टू आइडेंटिफाई आवर स्किल्स. वन ऑफ माई सन इज इनटू, उसकी थोड़ा सा जो एटीट्यूड है दैट इज वेरी मच रिलेटेड टू बिजनेस. तो मुझे लगता है कि वो शायद आगे बढ़ के वो बिजनेसमैन बने. तो मैंने थोड़ा सा अभी आइडेंटिफाई कर लिया, अब मैं उसको साथ साथ सिखाना शुरू हो चुका हूँ. तो मेरी जो अगर ऑडियंस में कुछ पेरेंट्स हैं तो मेरी उनसे भी यही सजेस्ट मैं कर सकता हूँ कि अपने बच्चों को फोर्स ना करें कि वो क्या करें, उनको ओपन छोड़े, लेट देम डिसाइड देयर कैरियर. और जो वो अगर उसमें कुछ प्लस है कुछ माइनस है, पॉजिटिव नेगेटिव्स हर चीज में होते हैं, तो आप उनको गाइड करें कि क्या इसमें पॉजिटिव्स हैं क्या नेगेटिव्स हैं. उसके बाद बच्चा लेट देयर सन और डॉटर डिसाइड कि कौन सी चीज अच्छी है फॉर देम एंड उस पे वो काम करें. बिल्कुल, बिकॉज़ आई थिंक जिसका जिसमें ज्यादा रुझान है वो जिसमें बेहतर है वो उसमें रास्ता निकाल लेता है. चाहे they might not be good with maths, they might not be good with anything else, but if they figured out one field jisme wo acche hain, jisme unka passion hai, wo rasta nikal leta hai, and banda usi mein shayad successful zyada hota hai jisme uska interest pehle se badha hua ho. And the second thing I noticed in your speech was that there were two teachers that led you to this field, led you to the person you are today. And obviously it's super important for people to have someone to guide them. And again, you being a teacher here right now, this being my first session, and I might ruin it or might not, let's see. But I'm happy that you supported me because I was nervous. I wasn't sure, I wasn't comfortable ki main kiske saath loon. And this was something ki I had to start. Kahin se start lena tha. And this became my starting again. Agar main darti rehti aur main na start leti, so I might have failed in my life without even trying. So if this turns out to be a failure, I can try again till I succeed in this. So I think it's important to fail or at least try once. I agree with that. Right, sir, thank you so much. I had a question from a student of yours, Bilal. He's a CS student. He wanted to ask ke education sector mein the skills that we're giving in the universities, उनकी क्या वैल्यू है और क्या हमारी मार्केट रिक्वायरमेंट है, इफ दे आर बीइंग कनेक्टेड और नॉट. यू आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर अबाउट यस डिपार्टमेंट, एनी डिपार्टमेंट, इफ वी टॉक अबाउट स्किल्स बीइंग टॉट इन यूनिवर्सिटी वर्सेस द स्किल्स नीडेड इन द मार्केट. यार थिंग इज दैट के मैं सबको एक ही बास्केट में नहीं तोलना चाहता. But unfortunately, I have been to almost 10 or 12 universities in twin cities of Pakistan or Islamabad, two twin cities. I see. बात करते हैं. So in these universities, कुछ teachers हमारे हैं जो bookish knowledge दे रहे होते हैं. मेरा simple question उन teachers से ये होता है कि you are giving the our students next generation a bookish knowledge. Concept की हद तक तो ठीक है, लेकिन examples अगर आप bookish दोगे तो where you are heading. आज मैं एक आज की एग्जांपल मैं अगर कोट करूं तो आई सॉ वन ऑफ द टीचर्स गिविंग एन एग्जांपल ऑफ बेस्ट बाय. बेस्ट बाय कितने लोगों को पाकिस्तान में पता होगा? हार्डली फ्यू. इसी तरह वॉलमार्ट की एग्जांपल शेयर की जाती है, वॉल स्ट्रीट की. लाइक आई एम अ फाइनेंस टीचर, आई ऑलवेज आस्क माय स्टूडेंट्स के वॉल स्ट्रीट क्या है, कहते सर पता नहीं, वहां ट्रेडिंग होती है. मैंने कहा ट्रेडिंग नहीं, इट्स अ स्ट्रीट भाई. एंड उसके ऊपर अगर वॉल स्ट्रीट की अगर बात करें तो उसमें डिफरेंट ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो वो फाइनेंस रिलेटेड जॉब कर काम करते हैं. तो हमें बहुत से लोगों को पता ही नहीं है एग्जैक्टली
what they are studying, what type of examples they are following. अब जो हम examples classroom में quote करते हैं तो that is unfortunately not very appropriate जो हमारे students के साथ share भी like मैं Australia से हूँ, one of the listener is from Australia as well. मैं course की example share करता हूँ तो वो तो समझ आ जाएगी उनको. मैं टारगेट की बात करूं, के मार्क्स की बात करूं तो वो शायद समझ जाएंगे. बाकी रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स माइट नॉट एबल टू अंडरस्टैंड के ये क्या एग्जांपल्स हो रही हैं, क्या चीजें हैं. स्किल्स की भी अगर बात करते हैं तो यस में तो स्किल्स अच्छी सिखाई जाती हैं. डिफरेंट यूनिवर्सिटीज टोल्ड यू कि मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जब मूव किया तो आइडिया हुआ कि सीएस की हद तक हमारे टाइम पे लाइक मैंने 2000 में सीएस पढ़ा तो उस टाइम पे इतना स्कोप नहीं था. अब माशाल्लाह हमारे बच्चे पास होने से पहले ही इंटरनेशनली काम कर रहे होते हैं तो इट्स गुड फॉर देम के यहाँ तक तो स्किल सेट ठीक है. लेकिन वी हैव टू डेवलप आवर स्किल्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. जैसे आजकल सीएस की सिंपल बात करते हैं, पाइथन इज वन ऑफ द लैंग्वेज जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, वो सीखें, नई स्किल्स आइडेंटिफाई करें. अगर आज भी अगर आप सी या सी प्लस प्लस में काम कर रहे हैं, सॉरी यार आप आउटडेट हो चुके हैं. अगर आज भी अगर आप पीएचपी पे ही या आप एचटीएमएल पे काम करें तो अपने आप को डेवलप करें. ये चीज मैं बिजनेस वालों को कहूंगा, आप अपनी न्यू स्किल सेट, क्योंकि न्यू बिजनेस आइडियाज लेके हैं. बिजनेस पढ़ने के बाद अगर कोई जॉब करना चाहता है तो मुझे थोड़ा सा होता है कि यार बिजनेस पर पढ़ा क्यों था. सेम गोज विद मीडिया एंड फैशन, लाइक मेरी यूनिवर्सिटी में यही कोर्सेज होते हैं तो मैं उनकी बात करूंगा. तो स्किल सेट आपने खुद बताना होता है कि आप क्या लर्न करना चाहते हैं. स्टूडेंट इज पेइंग तो वो जब पे कर रहा है तो वो जो ऑप्शनल कोर्सेज है एटलीस्ट उसमें तो स्टूडेंट की राय काउंट होती है कि आप बताएं व्हाट इज इन दीस डेज इन अ मार्केट इन मार्केट. तो आप उसको आगे लेके आए, आप टीचर से डिस्कस करें, आप हेड्स के साथ डिस्कस करें और वो कोर्सेज इंट्रोड्यूस करा सकते हैं. स्किल्स की बात है तो स्किल हर कोई गॉड गिफ्टेड नहीं होता. तो आप यस प्लस माइनस हर जगह होते हैं. ऑस्ट्रेलिया में हमारे भी कुछ टीचर्स थे बहुत अच्छे थे, कुछ सिंपल किताबी वाले थे कि किताब पढ़ा के चले जाते थे. वन ऑफ माय टीचर, नाम नहीं लेना अच्छा नहीं लगता, पर शी यूज्ड टू कम इन द क्लास, बुक पढ़ाती, स्लाइड पढ़ाती थी और चली जाती थी. और कभी हम उनसे क्वेश्चन भी पूछते थे, कहते सॉरी दिस इज नॉट राइट टाइम टू आस्क. उसका हमेशा पूरा सेमेस्टर नॉट अ राइट टाइम टू आस्क होता था. तो इस तरह के टीचर्स आपको हर जगह मिलेंगे. ये नहीं है कि पाकिस्तान में ऐसे हैं. हम पाकिस्तान को क्रिटिसाइज ज्यादा करते हैं बट लेट मी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ऑस्ट्रेलिया में हमें टोटल एक घंटा मिलता था टीचर से बात करने का. पाकिस्तान में तो हर वक्त व्हाट्सएप चल रहा होता है. तो डोंट वरी, पाकिस्तान में हमारे काउंसलर ज्यादा हैं. और स्किल्स की जहां तक फिर मैं उसी क्वेश्चन पे वापस आता हूँ कि स्किल्स पाकिस्तान में यस वी हैव अ बेटर स्किल, वी हैव बेटर आइडियाज. सिर्फ हमारा दिमाग रिप्रोडक्शन में चल रहा होता है. अगर हम कोई नई चीज बनाने की कोशिश करते हैं ना, हमें मोटिवेशन नहीं होती. हमें हमारे पेरेंट्स की तरफ सबसे पहले हमारे घर वाले स्टॉप लगाते हैं, नहीं नई चीज कोई नहीं बनानी, न्यू चीज बनाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा. बिजनेस स्टार्ट करना है, न्यू चीज नहीं कर सकते बेटा. तो ये सबसे पहले हमारे घर से स्टॉप लगता है, उसके बाद बाकी लोग भी हम पे स्टॉप लगाना शुरू कर देते हैं. बट वी हैव टू टेक आवर फर्स्ट स्टेप, कहीं से तो हमने देना है, तो व्हाई नॉट टुडे टेक फर्स्ट स्टेप एंड इंशाल्लाह आगे अच्छा ही होगा. Inshallah. All right, sir. It was nice having you on the show, and thank you so much for taking our time and making this lesson full of different values that we needed to hear. Where you taught us that we should always remember our parents that are behind us, our teachers. We should trust our guts. If we feel like switching fields, it's always a good option to trust yourself, to follow your dreams, and again to look for skill sets instead of just depending upon the degree. I suppose we should always work on different things instead of being fearful of new experiences. Thank you so much, sir, for joining us. We'll be ending the session now. Sir Ali, if you could join us.